Hello everyone, very good morning and very warm welcome to my channel Learn Concepts of Metallurgy and Material Science. Today I will be teaching you LD process of steel making. Myself Mahesh Kumar Devangan and I am a lecturer at Government Polytechnic Kharagar in Department of Metallurgy. वैसे तो LD process में पढ़ाने के लिए बहुत कुछ है, परंतु आज हम CSVTU के सिलेबस में ही कन्फाइंड रहेंगे ताकि ये COVID-19 आउटब्रेक में भी आप लोग इसका बेसिक्स सीख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। एलडी प्रोसेस को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि स्टील के बारे में ब्रीफ में आप लोग को बता दूँ कि स्टील क्या है और स्टील में क्या क्या रॉ मटेरियल्स नीडेड होता है। तो सबसे पहले बता देता हूँ, स्टील एक अलॉय है, मैलिएबल अलॉय है आयरन का और एक या एक से अधिक अदर एलिमेंट्स का। कैसे अदर एलिमेंट्स आयरन के अलावा? कार्बन, क्रोमियम, निकेल, सिलिकॉन, वैनेडियम, टंगस्टन या कोई सभी और एक्टिव एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल में है गैसेस को छोड़कर। अगर आयरन के अलावा अलॉइंग एलिमेंट्स कार्बन है जो स्टील के प्रॉपर्टी को गवर्न करता है तो प्लेन कार्बन स्टील कहलाता है, और कार्बन के अलावा कोई दूसरा अलॉइंग एलिमेंट्स है जो स्टील के प्रॉपर्टी को गवर्न करता है तो उसको हम अलॉय स्टील बोलते हैं। अब देखते हैं कि क्या क्या रॉ मटेरियल एक स्टील मेकिंग में हम लोग को ज़रूरत होती है। तो सबसे पहला है सोर्सेस ऑफ मेटालिक आयरन, जैसे कि पिग आयरन, हॉट मेटल या स्क्रैप आयरन का या स्टील का ऐसा। दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के रूप में प्योर ऑक्सीजन या एयर या आयरन ऑक्साइड या मिल स्केल ऐसा ही यूज़ करते हैं। तीसरा है फ्लक्सेस, लाइम या लाइम स्टोन, फ्लोरस्पार, बॉक्साइड, डोलोमाइट ऐसा। चौथा कोई डी ऑक्सीडाइजर या अलॉइंग एडिशंस हो सकता है। पाँचवा फर्नेस के रिफ्रैक्ट्रीज, उसको भी रॉ मटेरियल में काउंट करते हैं। और छठवा सोर्सेस ऑफ हीट, कोई हीट का सोर्स। तो इतना सब रॉ मटेरियल्स जनरली लगते हैं। अब आइए चलते हैं एलडी प्रोसेस के बारे में। तो एलडी प्रोसेस में एल और डी का फुल फॉर्म जो है वो है लिंच और डोनाविच। तो ये लिंच और डोनाविच क्या है, कई लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, तो चलिए मैं बता देता हूँ। सबसे पहला प्लांट जिसमें ये लांसिंग, ऑक्सीजन लांसिंग का यूज़ हुआ था वो ऑस्ट्रिया एक देश है, उसके एक सिटी लिंच पर सबसे पहले इंस्टॉल किया गया। फिर दूसरा प्लांट डोनाविच करके एक सिटी है ऑस्ट्रिया में ही, वहाँ इंस्टॉल किया गया 1952 में। तो इन्हीं दो जगहों के नाम पर इस प्रोसेस का नाम रख दिया गया एलडी प्रोसेस ऑफ स्टील मेकिंग। कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ये लिंच और डोनाविच कोई मेटलर्जिस्ट या कोई ऐसे पर्सन के नाम है, लेकिन ये ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये दोनों जगह के नाम हैं। अब देखते हैं कि स्टील मेकिंग प्रोसेस का प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल क्या कहता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि स्टील मेकिंग प्रोसेस का प्रिंसिपल है इम्प्योरिटीज़ का सेलेक्टिवली ऑक्सीडेशन करना, या फिर हम लोग दूसरे शब्दों में ये भी बोल सकते हैं कि ये आयरन मेकिंग का रिवर्स है। आयरन मेकिंग मतलब इम्प्योरिटीज़ का रिडक्शन होता है और स्टील मेकिंग में इम्प्योरिटी का हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि स्टील मेकिंग में क्या क्या प्रोसेस इंक्लूड होता है, चार्ज का प्रिपरेशन, चार्ज का मेल्टिंग, रिफाइनिंग, टैपिंग, डीऑक्सीडेशन, अगर ज़रूरत है तो रिकार्बोनाइजेशन, अलॉइंग, टीमिंग, कास्टिंग, स्ट्रिपिंग एक्सेट्रा। तो हम लोग ये जानते हैं कि स्टील मेकिंग में इम्प्योरिटीज़ का ऑक्सीडेशन होता है उसके रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स में, सल्फर को छोड़कर सल्फर का रिडक्शन होता है, और जो ऑक्साइड्स फॉर्म है इम्प्योरिटी का वो एलिमिनेट हो जाते हैं आइदर इज अ गैस कार्बन के केस में, या फिर लिक्विड ऑक्साइड प्रोडक्ट्स के रूप में जो स्लैग बना लेता है। तो हम लोग ऑक्सीजन स्टील मेकिंग प्रोसेस का प्रिंसिपल देखेंगे कि जितने भी ऑक्सीजन स्टील मेकिंग प्रोसेसेस हैं वो सारे के सारे ऑलमोस्ट ऑटोजीनियस है। ऑटोजीनियस प्रोसेस बोलने का मतलब एक्सटर्नल कोई सा भी फ्यूल देने की ज़रूरत उस प्रोसेस को नहीं है। उस प्रोसेस में जो भी रिएक्शंस होते हैं वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं और वहाँ से जो रिक्वायर्ड हीट है वो अचीव कर लिया जाता है।
और ऑटोजीनियस प्रोसेस है, और उसके अलावा यहाँ पर मोल्टन पिग आयरन की जरूरत पड़ती है चार्ज मटेरियल के रूप में, ताकि एक्स्ट्रा एक्सटर्नल हीट और या फ्यूल ना देना पड़े। और चाहो तो स्टील या आयरन के स्क्रैप को कूलेंट के रूप में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन स्टील मेकिंग प्रोसेस में एक्सेस हीट जनरेट होता है। क्यों? क्योंकि सारे रिएक्शंस जनरली एक्सोथर्मिक होते हैं, एक दो रिएक्शंस छोड़ करके। अब सबसे पहले चलते हैं कि ये एलडी प्रोसेस का कंस्ट्रक्शन कैसा है, बनावट कैसा है, इस पर चलते हैं। तो हम लोगों ने पहले बेसेमर कन्वर्टर के बारे में पढ़ चुका है, तो बेसेमर कन्वर्टर का जो डिज़ाइन था सेम वैसा ही डिज़ाइन एलडी कन्वर्टर का भी है। मतलब ये भी बेसेमर कन्वर्टर जैसा पियर शेप का वेजल है। इस वेजल को आप देख सकते हैं, ये जो वेजल है वो पियर शेप का है, एक फल आता है नाशपाती उसी के जैसा ही। बस डिफरेंस क्या है बेसेमर कन्वर्टर और एलडी कन्वर्टर में, कि बेसेमर कन्वर्टर में यहाँ बॉटम में ट्यूअर था, है ना, ट्यूअर था, और वही ट्यूअर से मतलब बॉटम से ही ऑक्सीजन का ब्लो कराया जाता था। यहाँ पर यही डिफरेंस है कि ये जो बॉटम है वो सॉलिड है, कोई ट्यूअर नहीं है, और ऑक्सीजन को बॉटम से ब्लो ना करा करके यहाँ टॉप से ये ऑक्सीजन लांस है, ये ऑक्सीजन लांस के जरिए टॉप से ब्लो कराया जाता है। अब देखते हैं इसके कंस्ट्रक्शन में, अगर हम इसको चाहे तो तीन सेगमेंट्स में बांट सकते हैं। कैसा तीन सेगमेंट्स? ये देखिए, ये टॉप वाले को हम बोल सकते हैं कोनिकल शेप का रहता है, फिर उसके बाद ये मिडिल में यहाँ से यहाँ तक है आपका सिलेंड्रिकल बॉडी शेल है, और नीचे बॉटम में यहाँ पर है स्फेरिकल टाइप का बॉटम है। यहाँ आप देख सकते हैं ये ऊपर वाला पार्ट, ये बीच वाला और ये नीचे वाला। तो ये कोनिकल टॉप जो है वो जनरली कन्वर्टर के मेन एक्सिस से 8 से 10 डिग्री झुका हुआ है, इनक्लाइंड है, स्टैगर्ड है। इसमें अगर हम लोग देखें तो एलडी कन्वर्टर का रिफाइनिंग टाइम मतलब ऑक्सीजन के ब्लो करने का टाइम 20 से 25 मिनट रहता है। टैप टू टैप टाइम, टैप टू टैप टाइम बोलने का मतलब क्या है कि इसमें चार्जिंग करने का समय, टैपिंग करने का समय, कोई रिपेयरिंग या फिटलिंग करने का समय सभी इंक्लूडेड रहता है। तो टैप टू टैप टाइम 40 से 60 मिनट का होता है। ये कन्वर्टर का अगर हाइट और डायमीटर का रेशियो देखेंगे तो 1.5 रहता है। अगर मान लेंगे कि इसका डायमीटर 1 मीटर है तो उसका हाइट कितना होगा, 1.5 मीटर होगा। और वेजल का हाइट जनरली 7 से 10 मीटर के रेंज में रहता है, और रिफ्रैक्टरी लाइनिंग का टोटल थिकनेस 600 से 1000 मिलीमीटर रहता है। ये जो नोज़ दिख रहा है टॉप में, ये जो नोज़ है इसको नोज़ बोलते हैं, है ना। तो ये नोज़ का जो डायमीटर है वो जनरली शेल के डायमीटर का 1/3 होता है। ये शेल का डायमीटर इसको बोलेंगे हम लोग, ये शेल का डायमीटर है, इसका 1/3 होता है यहाँ पर नोज़ का डायमीटर, और नोज़ का एंगल है 67 डिग्री। तो ये लांस हो गया, ये टैप होल कहलाता है, ये आउटर वाला जो शेल है उसको वेजल का सेल बोलते हैं, और ये जो हैच्ड या डैश्ड रीजन जो दिख रहा है ऐसा, हाँ, वो रिफ्रैक्टरी लाइनिंग है, और ये स्फेरिकल बॉटम है। ये है कंस्ट्रक्शन में। अब हम लोग देखेंगे कि एक एलडी शॉप में क्या क्या चीज़ होना चाहिए। तो चूंकि एलडी कन्वर्टर में प्रोडक्शन रेट बहुत ही रैपिड रहता है, इसलिए ये पूरा ऑटोमेटिक रहता है, और बहुत एफिशिएंट मटेरियल ट्रांसपोर्ट सिस्टम और वेइंग सिस्टम यहाँ पर रहता है। तो यहाँ स्क्रीन में आपको दिख रहा है एलडी शॉप का लेआउट। तो ये जनरली मल्टी फ्लोर शॉप है, मल्टी फ्लोर शॉप यानी कि एक से ज़्यादा यहाँ पर फ्लोर आप देख सकते हैं। सबसे पहले ये देखिए स्टोरेज फ्लोर कहलाता है ये वाला रीजन, और उसके बाद ये वेइंग फ्लोर जहाँ वजन होता है, फिर बैचिंग फ्लोर जहाँ बैच बनता है, फिर वर्किंग फ्लोर जिसको शॉप फ्लोर भी बोलते हैं, और नीचे ग्राउंड फ्लोर। तो मल्टी फ्लोर शॉप है ये, ठीक है। अब ये देखेंगे कि यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर में एक जनरली मिक्सर रहता है, जिसमें अलग अलग ब्लास्ट फर्नेस से जो हॉट मेटल आता है उसको यहाँ पर स्टोर करके रखते हैं। इसका तीन काम है, एक रिजर्वायर की तरह काम करते हैं स्टोर करने का, दूसरा काम है कि टेम्परेचर मेंटेन करके रखना 1250 से 1300 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और तीसरा काम है कि
कि कंपोजिशन को होमोजेनाइज करना। तो अब एक एक करके देखते हैं, जैसे कि ये स्टोरेज फ्लोर में जनरली फ्लक्स को और ओर को स्टोर करके रखते हैं, तो कोई वैगन से कन्वेयर बेल्ट के थ्रू यहाँ पर ओर और फ्लक्स को लाया जाता है, और ला करके ये फिर से एक कन्वेयर बेल्ट है, इसके थ्रू यहाँ पर ये स्टोरेज बिन में, ये सब स्टोरेज बिन में भर के रखा जाता है स्टोर करके। फिर उसके बाद जिस क्वांटिटी में चाहिए, जिस अमाउंट में चाहिए, उस अमाउंट का यहाँ पर वेट इंडिकेटर रहता है, उसके थ्रू ये वेइंग बिन्स में लाकर गिराया जाता है। फिर ये वेइंग बिन्स से फिर से नीचे एक कन्वेयर में यहाँ पर गिरता है, और उसके बाद यहाँ पर वेइंग फ्लोर के बाद ये एडिशनल हॉपर यहाँ पर बने हुए हैं, ये एडिशनल हॉपर से हुड के जरिए उसको ये जो एलडी कन्वर्टर है वहाँ पर चार्ज किया जा सकता है। तो एक जो एलडी कन्वर्टर का जो शॉप है उसमें दो या दो से ज़्यादा वेजल एक साथ ऑपरेट किया जा सकता है, जैसे एक वेजल ये हो गया, दूसरा वेजल ये हो गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हॉट मेटल है या मोल्टन पिघारन जिसको बोल सकते हैं, उसको यहाँ पर एक रेल कार के जरिए लाया जाता है, और फिर एक क्रेन रहता है ओवरहेड क्रेन, उससे उस लैडर को उठा करके इसमें चार्जिंग कर दिया जाता है। और एक बार जब रिफाइनिंग कंप्लीट हो जाए तो रिफाइंड स्टील को यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पे पड़े हुए ये स्टील के लैडर में डाल दिया जाता है, और उसको फिर कास्टर में या कास्टिंग शॉप में भेज दिया जाता है। तो ये है मेन में एक लेआउट कि कैसे एक स्टील मेकिंग शॉप में प्रोसेस होता है। अब देखेंगे हम लोग ऑक्सीजन लांस का डिज़ाइन। तो ऑक्सीजन लांस का डिज़ाइन का यहाँ पर स्क्रीन में मेरे पास डायग्राम है, उसको आप देख सकते हैं। तो ऑक्सीजन लांस क्या है, जो रिफाइनिंग एजेंट है, मतलब ऑक्सीजन गैस, उसको फर्नेस में फीड करने के लिए एक वाटर कूल्ड लांस रहता है, जिसको हम लोग ऑक्सीजन लांस बोलते हैं। तो ये वाटर कूल्ड जो लांस है वो क्या है, वो एक कहना चाहिए स्टील का ट्यूब्स है, तीन स्टील ट्यूब्स का कंसेंट्रिक एक कॉम्बिनेशन है, जिसका टिप कॉपर का बना होता है। तो देखिए यहाँ पर ये एक ट्यूब, ये दूसरा ट्यूब और ये तीसरा ट्यूब, तीन ट्यूब कंसेंट्रिक बने हुए हैं। ये तीन ट्यूब का काम क्या है, ये टॉप व्यू हो गया, अगर साइड व्यू इधर से देखा जाए तो देखिए यहाँ से ऑक्सीजन अगर ऐसे एंट्री करता है और यहाँ से निकलता है, तो इस पोर्शन को हम लोग नोजल बोलते हैं। यहाँ पर एक जो स्टील का ट्यूब है वहाँ से वाटर ऐसा इन करता है, वाटर इन होगा और यहाँ पर गर्म होने के बाद यहाँ से वाटर दूसरे वाले ट्यूब से आउट हो जाएगा, हॉट वाटर निकलेगा, इन जाएगा कोल्ड वाटर और आउट जाएगा हॉट वाटर। सेम वैसे इधर भी है, यहाँ से वाटर इन होगा और फिर इधर से ऐसा वाटर आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके ये ऑक्सीजन जो लांस है उसको कूल करने का काम करता है। ये जो नोज़ल है वो नोज़ल का टिप जो है वो कॉपर का बना होता है, क्योंकि कॉपर की कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है, और इसी नोज़ल टिप को बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर के एक्सपोजर में आना पड़ता है, इसलिए तो ये सिंगल लांस होल का डिज़ाइन है। जनरली इसका लेंथ 8 से 10 मीटर रहता है और इसका डायमीटर 20 से 25 सेंटीमीटर रहता है। तो इसमें जो वाटर का फ्लो के बारे में बताया, तो फ्लो रेट क्या रहता है, लगभग एक घंटे में 50 से 70 क्यूबिक मीटर वाटर का फ्लो कराया जाता है, और कुछ प्रेशर के साथ, वो प्रेशर है 5 से 7 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर से। तो टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर राइज इस वाटर में कितना हो सकता है, वो है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, इससे ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि वाटर का सर्कुलेशन कंटिन्यू इस प्रेशर से और इस फ्लो रेट से बना रहता है। अब जो ऑक्सीजन यहाँ पर फीड कराया जाता है फर्नेस को, वो कुछ प्रेशर के साथ कराते हैं, कितने प्रेशर के साथ, 8 से 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ। और ऑक्सीजन का ये जो नोज़ल की एग्ज़िट है, वहाँ पर एग्ज़िट वेलोसिटी जो होती है वो होती है साउंड के वेलोसिटी से 1.5 से 2.5 गुना ज़्यादा रहता है। चूँकि ये साउंड के वेलोसिटी से 1.5 से 2.5 गुना ज़्यादा है, इसलिए इसको हम लोग सुपरसोनिक जेट भी बोलते हैं, जो कि नोज़ल से निकलता है।
तो इन नोजल से सुपरसोनिक जेट जो निकलता है उसका यूज़ किस लिए किया जाता है कि स्टील के भाग को एडिक्वेटली मतलब बहुत पर्याप्त मात्रा में वो पेनेट्रेट कर जाए, भेद करके चला जाए और भाग के अंदर जो उसका कॉन्टेक्ट सॉरी इम्पैक्ट एरिया है, एरिया ऑफ इम्पैक्ट प्रभाव डालने का, वो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा हो ताकि ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा डिजॉल्व हो सके और जो भी इम्प्योरिटी है स्टील भाग में उसको ऑक्सीडाइज करके रिमूव कर सके। तो ये जो कंडीशन है कि पेनेट्रेशन बहुत ज़्यादा होना चाहिए और एरिया ऑफ इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है ताकि रिफाइनिंग एफिशिएंट हो। रिफाइनिंग बोलने का मतलब कि जो भी इम्प्योरिटी है वो निकल जाए, जैसे सिलिकॉन सिलिका बनाता है स्टेबल प्रोडक्ट है, मैंगनीज मैंगनीज ऑक्साइड बनाता है स्टेबल प्रोडक्ट है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन कार्बन को रिमूव करने के लिए जो डीकार्बोनाइजेशन और फॉस्फोरस को रिमूव करने के लिए जो डीफॉस्फोराइजेशन, उसके लिए हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, एफिशिएंट रिफाइनिंग होना चाहिए। तो क्या होता है जब हम ऑक्सीजन ब्लो करते रहते हैं, तो जैसे कि मैंने बताया कि एरिया ऑफ इम्पैक्ट मैक्सिमम होना चाहिए और बात का पेनिट्रेशन भी मैक्सिमम एक्सटेंट तक होना चाहिए। तो जितना डेप्थ तक पेनिट्रेशन होगा ऑक्सीजन लांग्स का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है इम्पैक्ट एरिया का, मतलब अगर पेनिट्रेशन ज़्यादा होगा तो इम्पैक्ट एरिया भी ज़्यादा रहेगा। एक एग्जांपल लेते हैं, है ना, ये देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन लांग्स दिख रहा है, यहाँ से वाटर इन होता है और यहाँ से आउट हो जाता है, यहाँ से वाटर इन होता है और यहाँ से आउट हो जाता है, ऑक्सीजन यहाँ से जाता है। देखिए ये जो कहलाता है इसको बोलते हैं हम लोग नोजल, इस नोजल से ये जो ऑक्सीजन निकल रहा है तो ऑक्सीजन का इसको जेट बोलेंगे। ये स्टील वात के सरफेस में यहाँ पर टकराया और यहाँ पेनेट्रेट कर गया, तो अगर ये पेनेट्रेशन ज़्यादा होगा तो यहाँ पर एरिया ऑफ इम्पैक्ट, इस एरिया में इम्पैक्ट करेगा तो एरिया ऑफ इम्पैक्ट भी ज़्यादा होगा। ये लांस का यहाँ पर डिज़ाइन देख सकते हैं, ठीक है, टिप कॉपर का बना होता है। तो जो डेप्थ ऑफ पेनेट्रेशन है ऑक्सीजन जेट का स्टील के बाद में, उसको जनरली एक टर्म से एसएस किया जाता है जिसको बोलते हैं JFN, जेट फोर्स नंबर। ये जेट फोर्स नंबर क्या होता है, फॉर्मूला वाइज होता है, ये गैस प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई नोजल थ्रोट डाया डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ नोजल। तो गैस प्रेशर, ऑक्सीजन गैस का प्रेशर जितना ज़्यादा होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है जेट फोर्स नंबर से, अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो डेप्थ ऑफ पेनेट्रेशन ज़्यादा होगा, गॉट इट। नोजल थ्रोट डाया, अगर नोजल का जो थ्रोट डाया है, ये जो डाया है ये थ्रोट डाया है, वो अगर ज़्यादा रहे, है ना, और प्रेशर को कांस्टेंट रखे तो थ्रोट एरिया अगर ज़्यादा रहेगा तो सिंपल सी बात है कि डेप्थ ऑफ पेनेट्रेशन ज़्यादा रहेगा, तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और ये हाइट ऑफ नोजल, हाइट ऑफ नोजल कहने का आशा ये है कि ये जो नोजल है इसका हाइट ये स्टील बाथ से कितने हाइट पर है, अगर ये ज़्यादा हाइट पर होगा तो डेप्थ ऑफ पेनेट्रेशन कम होगा और अगर कम हाइट पर होगा तो डेप्थ ऑफ पेनेट्रेशन ज़्यादा होगा, इसलिए ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन आए कि डिवाइडेड बाई में है। तो जनरली जो जेट फोर्स नंबर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डीकार्बोनाइजेशन के, मतलब जितना ज़्यादा जेट फोर्स नंबर होगा उतना ज़्यादा डीकार्बोनाइजेशन होगा, मतलब कार्बन का रिमूवल एफिशिएंट होगा। और जेट फोर्स नंबर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिफॉस्फोराइजेशन के, अगर जेट फोर्स नंबर ज़्यादा रहेगा तो डिफॉस्फोराइजेशन कम होगा। फिर आते हैं कि एलडी वेजल के रिफ्रैक्टरी लाइनिंग कैसे कैसे होती हैं। तो जनरली एलडी वेजल में तीन अलग अलग रिफ्रैक्टरी लाइनिंग के लेयर्स होते हैं। तो ये जो पहला लेयर है, ये पहला लेयर जनरली डोलोमाइट वियर लाइनिंग रहता है, ये दूसरा लेयर जो है वो सेमी परमानेंट नेचर का रहता है जिसको मैग्नेसाइट सेमी परमानेंट लाइनिंग बोलते हैं, और जो लास्ट लेयर है तीसरा वो है क्रोम मैग्नेसाइट का परमानेंट लाइनिंग। तो जो पहला लेयर है वो है टेम्पोररी लाइनिंग, दूसरा है सेमी परमानेंट लाइनिंग और तीसरा है परमानेंट लाइनिंग। उसके अलावा यहाँ पर टैप होल है जिसमें यहाँ पर एंकर मिक्स लगा हुआ है, बॉटम में देखा जाए तो पहला टेम्पररी डोलोमाइट वियर लाइनिंग, दूसरा सेमी परमानेंट मैग्नेसाइट लाइनिंग और तीसरा परमानेंट क्रोम मैग्नेसाइट ब्रिक्स। उसके नीचे यहाँ पर फायर ब्रिक्स भी रहता है बॉटम में, ठीक है। तो जैसे घरों में ईंट को जोड़ते हैं तो कुछ मोर्टार मिलाते हैं, है ना, वैसे यहाँ पर मोर्टार नहीं मिलाया जाता है, इस ब्रिक्स को क्रोम मैग्नेसाइट ब्रिक्स है, डोलोमाइट ब्रिक्स है ना, मैग्नेसाइट ब्रिक्स है,
इसको ज्वाइन करने के लिए ये लोग टार डोलोमाइट के मास का यूज़ करते हैं, और ये जो एंकर मिक्स है ये जस्ट एक ट्रेड नेम है, है ना, जो किससे बनता है, कोल्ड सेटिंग मैग्नेसाइट ट्रेमिंग मास से बना होता है ये जो एंकर मिक्स है यहाँ पर। तो ये रिफ्रैक्टरी लाइनिंग है, है ना। अब इसके बारे में क्यों पढ़ते हैं वो हम लोग बता देते हैं। जैसे एक एलडी वेजल में जो टोटल रिफ्रैक्टरी लाइनिंग है उसका टोटल वेट कितना होगा, तो वो कितना होता है, एलडी वेजल का जो नॉमिनल कैपेसिटी है उसका 3 गुना रहता है। तो एलडी वेजल का नॉमिनल कैपेसिटी इसको अच्छे से समझाता हूँ। जैसे कि मान के चलो ये एलडी कन्वर्टर जो है इसका नॉमिनल कैपेसिटी है 200 टन, एक बैच में 200 टन स्टील बना सकता है। तो 200 टन का 3 गुना यानी कि 600 टन के वजन के बराबर रिफ्रैक्टरी लाइनिंग यूज़ किया जाएगा, है ना। और उसके बाद जो सबसे फर्स्ट वाला लेयर है जिसको हम बोलते हैं वियर लाइनिंग, जो डोलोमाइट ब्रिक्स का रहता है, वो हर कंपेन लाइफ ओवर होने के बाद चेंज करना पड़ता है। कंपेन लाइफ बोले तो टोटल हीट लाइफ बोल सकते हैं। जैसे कोई एलडी कन्वर्टर 100 हीट से लेकर 1200 हीट तक चलता है, हीट मतलब एक बैच, एक हीट मतलब एक बैच, 100 हीट मतलब 100 बैच, 1200 हीट मतलब 1200 बैच, तो वो किसी एलडी वेजल का कंपेन लाइन हो सकता है। तो एक कंपेन लाइन लाइफ पूरा होने के बाद टोटल पहले वाला लेयर को, पहले वाले ब्रिक्स के लेयर को चेंज करना पड़ता है। और आपको बता दूँ ये बहुत ही आश्चर्यजनक है कि जो टोटल रिफ्रैक्टरी का वेट था यहाँ पर हम लोग अज्यूम किए थे 600 टन, तो 600 टन का 2/3 यानी कि 400 टन रिफ्रैक्टरी चेंज करना पड़ेगा जब इसका कंपेन लाइफ पूरा हो जाएगा। यानी कि सामान्य भाषा में अगर हम लोग आंकड़ा लगाएं तो कह सकते हैं कि 1 टन स्टील बनाने के लिए, मतलब हर 1 टन स्टील बनाने के लिए 3 से 5 किलोग्राम रिफ्रैक्टरी मटेरियल कंज्यूम हो जाता है, खपत हो जाता है, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा है। इसीलिए रिफ्रैक्टरी को भी रॉ मटेरियल में काउंट किया जाता है, क्योंकि इससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत अफेक्ट करता है। अब देखते हैं कि चार्ज मटेरियल एलडी प्रोसेस में क्या क्या है। तो चार्ज मटेरियल देखिए, सबसे पहले सोर्स ऑफ मेटालिक आयरन देखें तो मोल्टन मेटल हो गया, कोल्ड पिग आयरन हो सकता है, स्टील स्क्रैप हो सकता है, ये सब। फिर उसके बाद कहना चाहिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो गैसेस ऑक्सीजन हो गया, मिल स्केल हो गया, है ना, और ये आयरन हो गया, ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फिर फ्लक्स में देखेंगे तो लाइमस्टोन है, डोलोमाइट है, फ्लोरस्पार है, हाँ, बॉक्साइट कभी कभी बेसिसिटी रेशो को कंट्रोल करने के लिए डाला जाता है। तो ये सब रॉ मटेरियल्स हैं। तो रॉ मटेरियल में सबसे पहले देखते हैं मोल्टन मेटल या हॉट मेटल। तो हॉट मेटल का कौन से कंपोजिशन को हॉट मेटल रिक्वायर्ड रहता है वो यहाँ स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, लेकिन ये आइडियल केस है जो नहीं मैच करता है, तो हम लोग इस परसेंटेज रेंज के कंपोजिशन को भी यूज़ कर सकते हैं, और उससे यहाँ पर स्लैग कंपोजिशन हमें ऐसा कुछ प्राप्त होगा इस हॉट मेटल को यूज़ करके। सबसे ज़्यादा लाइम रहता है, फिर उसके बाद सिलिका, फिर मैंगनीज ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑलमोस्ट इक्वल रहते हैं, फिर फॉस्फोरस पेंटोक्साइड सबसे कम रहता है, और कुछ आयरन का भी ऑक्सीडेशन हो जाता है जो कि स्लैग में मिक्स रहता है। तो चूँकि एलडी प्रोसेस में जो रिफाइनिंग है वो बहुत ही फास्ट होता है, इसीलिए हम लोग को सल्फ़र रिमूव करने के लिए इफ़ेक्टिवली इनफ टाइम नहीं मिल पाता। वैसे तो सल्फ़र रिमूव करने के लिए मैं पहले भी बता चुका हूँ कि रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर चाहिए जो यहाँ पर स्टील मेकिंग में नहीं रहता, लेकिन सल्फ़र रिमूव हो सकता है स्पेशल केसेस में, जब स्लैग की बेसिसिटी ज़्यादा हो, हाँ, स्लैग का जो ऑक्सीजन पोटेंशियल है वो कम हो और स्लैग का टेम्परेचर ज़्यादा हो, तो थोड़ा बहुत सल्फ़र रिमूव हो सकता है। लेकिन चूंकि ये बहुत फास्ट रिफाइनिंग होता है यहाँ पर, इसलिए ये मुश्किल हो जाता है एलडी कन्वर्टर में। लेकिन एलडी कन्वर्टर जो है वो फॉस्फोरस को रिमूव करने में बहुत ही एफिशिएंट है, ऑलमोस्ट 90% फॉस्फोरस को रिमूव कर सकता है, हाँ। लेकिन अगर स्टील बात में मैंगनीज कंटेंट ज़्यादा है तो फॉस्फोरस का रिमूवल थोड़ा सा टफ हो जाता है, है ना। तो हम लोग देखेंगे कि हॉट मेटल को चार्जिंग जब करते हैं स्टील मेल्टिंग शॉप में एलडी कन्वर्टर में, तो उसका टेम्परेचर जो रहता है 1250 से 1350 डिग्री तक रहता है, और जो चार्ज है उसका प्रपोर्शन में ऐसा होता है
कि जो हॉट मेटल है वो लगभग 75 से 90% होना चाहिए, 75 से कम बिल्कुल नहीं चलेगा क्योंकि ऑटोजीनियस प्रोसेस है। अगर हम लोग ज़्यादा स्क्रैप चार्ज है, स्क्रैप कितना है 10 से 25% चार्ज कर सकते हैं, 25% से ज़्यादा स्क्रैप चार्ज करेंगे तो हो सकता है एक्सटर्नल फ्यूल की ज़रूरत पड़े और फिर हमारा ऑटोजीनियस प्रोसेस ऑटोजीनियस नहीं रह जाएगा। फिर आता है फ्लक्सेस के बारे में पढ़ते हैं। तो जो एलडी कन्वर्टर है इस प्रोसेस का एफिशिएंसी इस बात पर डिपेंड करता है कि कितना जल्दी स्लैग बनता है और कैसा स्लैग, थिन स्लैग मतलब जिसका विस्कोसिटी कम हो, पतला हो, जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर का स्लैग हो, स्लैग जिसकी बेसिसिटी बहुत अच्छी हो, ये सब स्लैग जितना जल्दी बन सके ऑक्सीजन ब्लोइंग के ड्यूरेशन में उतना ज़्यादा ये प्रोसेस एफिशिएंट होगा। तो ये जो स्लैग है जो थिन हो, ऑक्सीडाइजिंग हो, बेसिक हो, ये स्लैग बनाना किसका काम है, मेनली फ्लक्स हेल्प करता है। तो इसलिए फ्लक्स का बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लक्स के रूप में जनरली लाइम को यूज़ करते हैं। तो अगर लाइम को बहुत लंपी फॉर्म पे डालेंगे, बड़े बड़े टुकड़े के फॉर्म पे, तो स्लैग में जल्दी से डिजॉल्व नहीं हो पाता है और जल्दी से डिजॉल्व नहीं होगा तो थिन, ऑक्सीडाइजिंग और बेसिक स्लैग जल्दी नहीं बनेगा। दूसरा, अगर मान लो इस लाइम को हम लोग पाउडर फॉर्म पे डालें तो हो सकता है कि वो उड़ जाए, फ्लाई ऑफ हो सकता है। तो इसीलिए एक ऑप्टिमम साइज़ में यानी कि स्मॉल ग्रैनुलर फॉर्म पे लाइम को डालना सबसे बेस्ट रहता है। आप देखते हैं कि टोटल लाइम का कंजम्पशन या खपत कितना होता है। तो जितना भी मेटल चार्ज है उसका 2 से 5% तक लाइम डालना पड़ता है। जैसे 1 टन मुझे स्टील बनाना है तो 20 से 50 किलोग्राम तक मुझे लाइम कंज्यूम कराना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट आता है स्क्रैप और आयरन ओर। तो मैं चूंकि बताया हूँ आप लोगों को कि आयरन ओर का काम क्या रहता है, मेनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो चूंकि यहाँ पर प्योर ऑक्सीजन यूज़ करते हैं इसलिए यहाँ पर जनरली आयरन ओर नहीं डालते हैं, है ना। तो स्क्रैप और आयरन ओर किस लिए डालते हैं, कूलेंट के रूप में यूज़ करते हैं। कूलेंट के रूप में यानी कि जब एक्सेस हीट जनरेट हो जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के कारण तो उसको ठंडा करने के लिए कूलेंट के रूप में डालते हैं और मैक्सिमम 25% तक ही स्क्रैप और ओर को चार्ज करते हैं। मैं जैसे कि बताया कि आयरन ओर जनरली यहाँ रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में ऑक्सीजन गैस यूज़ किया जा रहा है। लेकिन फिर भी अगर कोई केस में स्क्रैप अवेलेबल नहीं है तो आयरन ओर को चार्ज करते हैं कूलेंट के फॉर्म पे। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ये जो स्टील का स्क्रैप है उसका कूलिंग इफेक्ट बहुत कम रहता है जबकि आयरन ओर का कूलिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा रहता है। तो अगर मैं एक अंदाज़ा लगाऊं तो 3.5 किलोग्राम स्टील स्क्रैप जितना स्टील पार्ट को ठंडा करेगा उतना 1 किलोग्राम आयरन ओर अकेला कर देता है। इसीलिए 1 टन स्टील बनाने में मैक्सिमम 100 किलोग्राम से ज़्यादा आयरन ओर कभी भी चार्ज नहीं करना है। फिर नेक्स्ट आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीजन, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि आप सबको पता है कि अगर सिंपल एयर की बात करें तो उसमें 21% ऑक्सीजन है और 79% जो है वो नाइट्रोजन है, ठीक है। तो जैसे जैसे अगर मैं प्योर ऑक्सीजन की बात करूँगा तो जैसे जैसे ऑक्सीजन की प्योरिटी कम होगी वैसे वैसे बाथ में नाइट्रोजन का कंटेंट बढ़ता जाएगा, है ना। तो देखिए अब मालूम है कोई सभी प्योरिटी के ऑक्सीजन गैस की बात करता हूँ, कोई सभी प्योरिटी का, तो जनरली क्या होता है कि जब बात का डीकार्बोनाइजेशन होता है मतलब कार्बन का रिमूवल होता है, मान लो 3% से रिमूव होते होते वो 0.12% कार्बन तक आ गया, तो कोई सभी प्योरिटी का ऑक्सीजन गैस के लिए नाइट्रोजन लेवल जो बात में वो लगभग सेम रहता है जब वो 3.0% कार्बन से 0.12% तक आता है। लेकिन अगर ऑक्सीजन का प्योरिटी 97% से कम है और हम लोग कार्बन को 0.12% से और कम करना चाहें तो स्टील बाथ में नाइट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है, है ना। तो इसीलिए हम लोग को चाहिए कि ऑक्सीजन का प्योरिटी 99% से भी अबो रहे ताकि ये जो नाइट्रोजन का डिसॉल्यूशन है उसको कम कर सकें। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन ज़्यादा डिसॉल्व होगा तो वो स्टील को ब्रिटल बना देता है, बहुत हार्मफुल इफेक्ट करता है। तो नाइट्रोजन को कोशिश करनी चाहिए कि फिनिश स्टील में 0.0016% से भी कम रखें। अब देखते हैं कि कितना ऑक्सीजन का कंजम्पशन या खपत है स्टील बनाने में। तो वो
ऑक्सीजन का खपत जो है वो वेरी करता है दो चीज़ों पर। पहला कि कितनी प्रोपोर्शन में हम स्क्रैप या ओर को ऐड करते हैं कूलेंट के फॉर्म पे, और दूसरा कि हम लोग कौन सा लांस डिज़ाइन यूज़ कर रहे हैं, सिंगल होल लांस डिज़ाइन या मल्टी होल लांस डिज़ाइन। तो सबसे पहले देखते हैं स्क्रैप या ओर में से क्या डालते हैं और किस प्रोपोर्शन में डालते हैं। तो मान लीजिए हम लोग 25% स्क्रैप डाल रहे हैं तब क्या फ़र्क पड़ेगा, और 25% आयरन ओर डाल रहे हैं कूलेंट के रूप में तब क्या फ़र्क पड़ेगा। तो अगर 25% आयरन ओर डालेंगे तो एक टन स्टील बनाने के लिए हमको 4 से 5 m³ बस ऑक्सीजन की खपत होगी, क्योंकि आयरन ओर अपने आप में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑलरेडी है। और अगर 25% स्क्रैप यूज़ करेंगे और साथ में सिंगल नोजल लांस यूज़ करेंगे तो एक टन स्टील बनाने के लिए हमको 45 m³ ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, और वहीं 3 नोजल लांस का यूज़ करेंगे तो एक टन स्टील बनाने के लिए हम लोग को 55 से 60 m³ ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखते हैं कि क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं एलडी प्रोसेस में। तो सबसे पहले होता है चार्जिंग। यहाँ पर स्क्रीन में आप देख सकते हैं डायग्राम को। चार्जिंग सबसे पहले स्क्रैप पर किया जाता है, और स्क्रैप के साथ ही अल्टरनेट लेयर पे फ्लक्स चार्ज किया जाता है, ठीक है, ऐसा टिल्ट करके। फिर उसके बाद स्क्रैप और फ्लक्स चार्जिंग के बाद यहाँ पर हॉट मेटल चार्ज कर दिया जाता है। फिर उसके बाद ब्लोइंग, ऑक्सीजन का ब्लोइंग 20 से 25 मिनट तक। ऑक्सीजन के ब्लोइंग के टाइम पे ये वेजल को वर्टिकली ऐसा अपराइट कर लिया जाता है, और लांस ऑक्सीजन लांस को ऐसे अंदर पेनिट्रेट कराया जाता है। फिर एक बार जब ब्लोइंग यानी कि रिफाइनिंग कंप्लीट हो गया तो क्या करेंगे हम लोग, सैम्पलिंग करेंगे। सैम्पलिंग यानी कि फर्नेस को ऐसा टिल्ट करके सैंपल लेंगे। सैंपल लेने के बाद अगर उसका एनालिसिस हमको लगता है कि जो डिजायर्ड कंपोजिशन हो आ गया है, तो फिर नेक्स्ट स्टेप में इसको क्या कर देंगे, टैपिंग कर देंगे। टैपिंग करने के लिए ये जो पोजिशन है ना, इसको वापस रोटेट करेंगे, और ऐसा जहाँ पर ये स्लैग टैप होल है, ये स्लैग टैप होल नीचे आ जाए ऐसा। तो चूँकि स्लैग हल्का होता है और जो स्टील है मोल्टन स्टील वो भारी होता है, तो भारी होने के कारण नीचे रहेगा और स्लैग कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा। तो नीचे जो मोल्टन स्टील है वो यहाँ पर पहले टैप हो जाएगा और स्लैग यहाँ पर भर जाएगा। फिर एक बार जब स्टील का टैपिंग कंप्लीट हो गया तो यहाँ पर चाहे तो एक्स्ट्रा लॉइंग एडिशन जो भी कर सकते हैं यहाँ पर लेडर में कर लेते हैं, और जो स्लैग यहाँ बच गया उसको बाद में यहाँ निकाल दिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं स्लैग ऑफ। थोड़ा सा स्लैग नेक्स्ट साइकिल के लिए बचा कर रखना चाहिए, उसके बेनिफिट के बारे में मैं आगे आप लोग को डिस्कस करूँगा। फिर अब देखते हैं कि एलडी प्रोसेस का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब क्या क्या विशेषताएँ हैं उसको देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लिए हैं कि लाइम जितना जल्दी डिजॉल्व हो उतना जल्दी थीन स्लैग, ऑक्सीडाइजिंग स्लैग और बेसिक स्लैग बनेगा, और वहीं से एफिशिएंसी जो है वो एलडी प्रोसेस का डिसाइड होता है। तो स्लैग में ये जो लाइम डाल रहे हैं फ्लक्स के रूप में, उसका डिसॉल्यूशन कैसे घुल सकता है ना, उसके डिसॉल्यूशन को इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, चार चीज़ों को इंक्रीज करके। कैसे, स्लैग में FeO कंटेंट को बढ़ा करके लाइम के डिसॉल्यूशन को बढ़ा सकते हैं, या फिर पहले से जो प्रीवियस स्लैग है उसको थोड़ा सा बचा करके नेक्स्ट साइकिल के लिए बचा करके स्लैग में लाइम का डिसॉल्यूशन बढ़ा सकते हैं। स्टार्टिंग में डोलोमाइट ऐड करके हम लोग लाइम का डिसॉल्यूशन बढ़ा सकते हैं, और जो भी लाइम यूज़ कर रहे हैं वो ऐसे कंपोजिशन का हो कि उस लाइम का रिएक्टिविटी ज़्यादा हो। अगर लाइम का रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा तो लाइम का डिसॉल्यूशन भी स्लैग में ज़्यादा होगा। तो इससे क्या है, कोई भी स्टील मेकिंग एलडी प्रोसेस का एफिशिएंसी डिसाइड होता है, ठीक। अब एक बार जब थिन स्लैग बन गया और ऑक्सीजन मोल्टन स्टील बात में जा रहा है और कार्बन के साथ रिएक्ट करके कार्बन मोनोक्साइड गैस बनाना, तो जो कार्बन मोनोक्साइड गैस है वो गैस और स्लैग का जो मैट्रिक्स है, तो स्लैग और गैस का मैट्रिक्स और ये जो थिन स्लैग है वो वेसल के अंदर है, और उसके कारण क्या होता है कि मेटल स्लैग और गैस का एक इमल्शन फॉर्म होता है। मेटल स्लैग और गैस का क्या, इमल्शन। इमल्शन बोले तो सामान्य भाषा में फोम है ना, फोम। या इमल्शन को और एक उदाहरण से समझ सकते हैं, एक अंडे जानते हैं आप लोग, एल्ब्यूमिन मतलब वाइट वाला पार्ट और योक मतलब येलो वाला पार्ट, दोनों इमल्शन है ना, दोनों लिक्विड है जो एक दूसरे से मिक्स नहीं होते, उसको हम लोग बोलते हैं इमल्शन, या सामान्य भाषा में फोम बोल सकते हैं। तो मेटल स्लैग और गैस का फोम बन जाता है। तो
ये इमल्शन बनने के कारण क्या होता है कि जो इंटरफेशियल एरिया है वो बढ़ जाता है। किसका इंटरफेशियल एरिया? मेटल और स्लैब का इंटरफेशियल एरिया, मेटल और गैस का इंटरफेशियल एरिया। गैस और स्लैब का इंटरफेशियल एरिया बहुत ज़्यादा ट्रेमेंडसली बढ़ जाता है, और इसके बढ़ने के कारण रिफाइनिंग रेट जो है वो बहुत हाई हो जाता है एलडी प्रोसेस में, इसलिए प्रोसेस बहुत फास्ट है। ठीक है, अब एलडी वेजर में अगर अगर हम लोग रिफाइनिंग के जोन्स को जानना चाहें तो मेनली दो अलग अलग टाइप के रिफाइनिंग के जोन्स है ना। क्या जोन है? पहला कि जो इमल्शन का फॉर्मेशन हुआ उसमें रिफाइनिंग रिएक्शन चल रहा है, और दूसरा इमल्शन या फोम के अलावा बाकी बाकी मतलब बल्क फेस में रिएक्शन हुआ है। तो इस डायग्राम को देखिए, ये जो है ये पूरा फोम बन गया, फोम मतलब ये इमल्शन है। तो एक यहाँ पर बोल सकते हैं हम लोग कि जोन ऑफ रिफाइनिंग है, और दूसरा जो फोम नहीं है यानी कि ये बल्क फेस, इसको बोलते हैं बल्क फेस। तो एक यहाँ पर है, ठीक है। तो बल्क फेस यानी कि हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, जहाँ पर ऑक्सीजन लांस का पेनिट्रेशन और इम्पैक्ट एरिया है, तो ये इम्पैक्ट जोन है ना। और यहाँ पर गैस और स्लैग का जो भी इंटरफेस है यहाँ पर है ना, ये गैस और स्लैग का इंटरफेस, तो बोल सकते हैं कि सॉरी मेटल और स्लैग का इंटरफेस है ना। तो मेटल और स्लैग का इंटरफेस और जो इम्पैक्ट जोन है, ऑक्सीजन का इम्पैक्ट जोन, ये दोनों को मिलकर हम लोग बल्क जोन बोल रहे हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, बल्क रिफाइनिंग होता है। तो शुरू में जब कार्बन मोनोक्साइड ज़्यादा नहीं बना रहता तो इमल्शन भी ज़्यादा नहीं बनता है, और इमल्शन जब शुरू में ज़्यादा नहीं बना रहता है तो बिगिनिंग में शुरुआत में क्या डोमिनेट करता है, बल्क रिफाइनिंग डोमिनेट करता है। ठीक है, और चूँकि मेटल के ड्रॉपलेट्स जो है वो ऑक्सीडाइजिंग गैस यानी कि ऑक्सीजन के फ्री एक्सपोजर में आता है, इसलिए उसका डिकार्बोनाइजेशन बहुत होता है शुरुआत में। ठीक है, एक बार जब डिकार्बोनाइजेशन होता है तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन मोनोक्साइड बना लेता है, कार्बन मोनोक्साइड बना करके फिर इमल्शन बनाता है। तो एक बार इमल्शन बन जाने के बाद, फोम बन जाने के बाद, इमल्शन रिफाइनिंग डोमिनेट करता है ना। और लास्ट में फिर से जब कार्बन मोनोक्साइड इमल्शन बनाता है, फिर कार्बन मोनोक्साइड धीरे से एटमॉस्फेयर में मतलब एलडी कन्वर्टर के एटमॉस्फेयर में स्कैप हो जाता है, तो बाद में फिर से बल्क रिफाइनिंग डोमिनेट करता है जब इमल्शन कोलैप्स हो जाता है लास्ट में एंड में। ठीक है, तो हम लोग ये देखेंगे कि लाइम का डिजोल्यूशन शुरू में कैसे होता है। तो लाइम का डिजोल्यूशन शुरू में कैसे होता है कि सबसे पहले जो सिलिकॉन है वो ऑक्सीडाइज करके सिलिका बना लेता है, और मैंगनीज ऑक्सीडाइज करके मैंगनीज ऑक्साइड बना लेता है। ये दोनों रिएक्शन जो है वो शुरू के 5-6 मिनट में जनरली होते हैं, और उसके ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन चूंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो उस एक्सोथर्मिक रिएक्शन के कारण इतना हीट मिलता है कि वो टेम्परेचर को रेज कर देता है, और उस हाई टेम्परेचर के कारण लाइम का डिजोल्यूशन में मदद मिलती है। और हाई टेम्परेचर होने के कारण ही स्लैग की फ्लूइडिटी बढ़ जाता है, मतलब उसका विस्कोसिटी कम हो जाता है ना। तो फिर जैसे जैसे इमल्शन बढ़ता है तो इमल्शन में मेटल के ड्रॉपलेट्स का वॉल्यूम भी बढ़ता है, और उसी के साथ साथ डीकार्बोनाइजेशन भी बढ़ता है मेटल ड्रॉपलेट्स का। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि चूंकि कार्बन मोनोक्साइड जनरेट हुआ जो कि इमल्शन को स्टेबल करता है, स्टेबलाइज करता है, तो इसी ज़्यादा सीओ जनरेशन के कारण ज़्यादा इमल्शन बना, और ज़्यादा इमल्शन बनने के कारण डीकार्बोनाइजेशन भी ज़्यादा हुआ। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक्सेलरेट कर रहे हैं, एक साथ दोनों आगे बढ़ रहे हैं। तो इस केस को हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल कंपाउंड एक्सेलरेशन है ना, मतलब डीकार्बोनाइजेशन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इमल्शन फॉर्मेशन। जितना ज़्यादा सीओ बना उतना ज़्यादा इमल्शन का फॉर्मेशन हुआ, और जितना इमल्शन का फॉर्मेशन हुआ उतना ज़्यादा डीकार्बोनाइजेशन रेट हुआ, ये दोनों एक दूसरे को एक्सेलरेट कर रहे हैं। फिर ये जो मेटल का ड्रॉपलेट्स है वो इमल्शन में कितने देर तक रहता है, उसका रेसिडेंस टाइम क्या है, तो जनरली ये 2 से 3 मिनट रहता है। फिर देखते हैं कि रिफाइनिंग के एंड में है ना, रिफाइनिंग के एंड में कार्बन जो है वो पूरा सीओ बना करके निकल जाता है, तो हम लोग देख सकते हैं कि जो कार्बन का कंसंट्रेशन है वो बहुत ही कम हो जाता है रिफाइनिंग के एंड में। तो चूंकि कार्बन का कंसंट्रेशन मेटल के ड्रॉपलेट्स में कम हो जाता है, इसलिए डिकार्बोनाइजेशन रेट भी कम हो जाता है ना। और डिकार्बोनाइजेशन रेट कम होता है,
उसको हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ऑक्सीजन का सप्लाई कम हो रहा है इसलिए, ऑक्सीजन तो सप्लाई कंटिन्यू हो रहा है, वो इसलिए डिकार्बोनेशन रेट कम हुआ क्योंकि कार्बन का कंटेंट या कंसंट्रेशन ही कम है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कार्बोनाइजेशन रेट कम हो जाता है ना, क्यों? क्योंकि CO फॉर्मेशन भी कम हो रहा है जो इमल्शन को सस्टेन नहीं कर पा रहा है, स्टेबलाइज नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पर दोनों के दोनों एक साथ क्या हो रहे हैं, कम हो जा रहे हैं। कौन कौन कम हो जा रहा है? इमल्शन का फॉर्मेशन और डिकार्बोनाइजेशन रेट। तो ये म्यूचुअल कंपाउंड डी एक्सेलरेशन का केस हो गया। अब देखिए डिफॉस्फोराइजेशन के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, बेसिक स्लैग होना चाहिए, थिन स्लैग होना चाहिए, ऑक्सीडाइजिंग स्लैग होना चाहिए। तो ये सब जो है वो शुरू के 4-6 मिनट में ही, ऑक्सीजन बुले के 4-6 मिनट में ही ये हो जाता है ना, बेसिक थिन ऑक्सीडाइजिंग स्लैग बनते हैं उसके कारण डिफॉस्फोराइजेशन शुरू हो जाता है 4-6 मिनट के बाद। अब इमल्शन में डिकार्बोनेशन रेट जो है बहुत रैपिड रहता है, बहुत फास्ट रहता है। क्यों? क्योंकि इंटरफेशियल एरिया बढ़ जाता है, इंटरफेशियल एरिया मेटल और गैस का, मेटल और स्लैग का और स्लैग और गैस का, प्लस जो मास का ट्रांसपोर्ट है ना, इम्प्योरिटी एलिमेंट का मेटल से स्लैग में जो मास का ट्रांसपोर्ट होता है वो बहुत एफिशिएंट होता है। तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि इमल्शन जो है कोलैप्स होने से पहले फॉस्फोरस को पूरा पूरा मेटल से निकल करके स्लैग फेस को ज्वाइन कर लेना चाहिए। इमल्शन कोलैप्स कब होता है? जनरली 0.3% कार्बन से जब कम कार्बन होता है तब, है ना। और अगर फुली एलिमिनेट नहीं हुआ तो क्या होगा? तो उसके कारण हम लोग को फिर हीट के टाइम को बढ़ाना पड़ेगा, मतलब बहुत देर तक ग्लो करना पड़ेगा, जिससे प्रोडक्टिविटी हमारा कम होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। तो डिफॉस्फोराइजेशन रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कहना चाहिए लांस के हाइट्स को रेस करने से। अगर लांस का हाइट बहुत ज़्यादा रहेगा तो डिफॉस्फोराइजेशन अच्छा होगा, है ना। और ऑक्सीजन का प्रेशर कम रहेगा तो डिफॉस्फोराइजेशन बहुत अच्छा होगा, इसके कन्वर्स भी सही है। और डिफॉस्फोराइजेशन ज़्यादा अच्छा तब होगा जब डिकार्बोनाइजेशन रेट कम हो, क्योंकि डिकार्बोनाइजेशन और डिफॉस्फोराइजेशन दोनों इनवर्स हैं, है ना। और चूँकि रिफाइनिंग के एंड में टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, क्योंकि फॉस्फोरस का जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो हाई टेम्परेचर होने के कारण कभी कभी खतरा रहता है कि फॉस्फोरस का रिवर्सन ना हो जाए, मतलब स्लैग फेस से वापस मेटल फेस को वो ज्वाइन ना कर ले। तो इसको प्रिवेंट किया जाता है कि फॉस्फोरस का रिवर्सन ना हो, कैसे? स्लैग की बेसिसिटी को हाईली मेंटेन करके। स्लैग की बेसिसिटी हाई रहेगा तो फेवरेबल कंडीशन है फॉस्फोरस के स्टेबल रहने का। तो अब देखते हैं कि जितने भी इम्प्योरिटी था, कार्बन, सिलिकन, मैंगनीज, फॉस्फोरस, है ना, ये सब का एलिमिनेशन किस सीक्वेंस में हो रहा है। तो आप सीक्वेंस देखते हैं, सीक्वेंस ऑफ इम्प्योरिटी एलिमिनेशन। तो आप देख सकते हैं जैसे सबसे पहले सिलिकॉन जो है सिलिका बना करके रिमूव होता है, ये सिलिकॉन का ग्राफ, है ना। अगर मान लेते हैं कि लगभग 0.8 या 1.0% सिलिकॉन है, तो यहाँ देख सकते हैं आप एक्स एक्सिस में टाइम ऑफ ब्लोइंग, ऑक्सीजन ब्लोइंग मिनट्स में, और वाई एक्सिस में यहाँ पर है परसेंटेज इम्प्योरिटी। परसेंटेज इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी क्या क्या है? कार्बन, सिलिकॉन, मैंगनीज और फॉस्फोरस, ठीक है। फिर मैंगनीज देखते हैं, मैंगनीज सेकंड मोस्ट स्टेबल ऑक्साइड्स बनाता है इन इम्प्योरिटीज के बीच में। तो 1% मैंगनीज, धीरे धीरे देखिए कि ये शुरू के 3 मिनट में 1% से लगभग 0.5% में ये आ गया है, मतलब आधा ऑक्सीडेशन हो गया। फिर 6 मिनट तक देखिए ये 0.25% तक लगभग रह गया है, फिर धीरे धीरे ये कांस्टेंट रहता है और फिर धीरे से लास्ट में फिर रिमूव होता है। फास्फोरस शुरू के 4-5 मिनट तक बहुत कम रिड्यूस होता है ना मेटल फेस से, क्योंकि उस समय उसको थीन या बेसिक स्लैग ऑक्सीडाइजिंग स्लैग नहीं बना रहता है। जैसे ही सिलिकॉन और मैंगनीज के ऑक्सीडेशन से एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, उसके बाद लाइम का डिसॉल्यूशन होता है उस हाई टेम्परेचर में होने के कारण, फिर लाइम के कारण थिन और बेसिक और ऑक्सीडाइजिंग स्लैग बनता है, फिर फॉस्फोरस का रिमूवल शुरू होता है। तो देखिए शुरू के 4-5 मिनट ये बहुत कम डिफॉस्फोरेशन हुआ, उसके बाद बहुत अच्छा डिफॉस्फोराइजेशन हो रहा है, है ना। कार्बन जैसे ही ऑक्सीजन फ्लो शुरू करोगे तब से ये रिमूवल इसका शुरू हो जाता है और लास्ट तक होते रहता है। तो ये आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हम लोग ये देखना चाहें कि ऑक्सीजन ब्लो जब होता है तो स्टेजेस क्या क्या है, तो उसको आप देख सकते हैं। देखिए ये ऑक्सीजन ब्लो हो रहा है, ऊपर से ऑक्सीजन का लांसिंग करेंगे तो जो
पेनेट्रेशन है, ये देखिए ऑक्सीजन का लांसिंग यहाँ से कर रहे हैं तो इतना पेनेट्रेशन हुआ स्टील के बाद में, है ना, और इतने एरिया को इम्पैक्ट किया। यहाँ पर देखिए पेनेट्रेशन और ये इम्पैक्ट एरिया बढ़ गया प्रीवियस वाले केस में, यहाँ पर इम्पैक्ट एरिया और ज़्यादा हो गया टाइम के साथ साथ, 7 मिनट में ज़्यादा हो गया 5 मिनट के कंपेरिजन में, 5 मिनट में इम्पैक्ट एरिया ज़्यादा था 0 मिनट के कंपेरिजन में, वैसे ही 13वां मिनट में इम्पैक्ट एरिया फिर ज़्यादा हो गया और फिर ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो डैश डैश दिख रहा है वो बल्क मेटालिक बात है, और जो ऐसा दिख रहा है वो गैस मेटल स्लैब का ये इमल्शन है या फोम है। तो देखिए यहाँ पर ये बल्क रिफाइनिंग जोन है और ये जो दिख रहा है वो क्या है, इमल्शन जोन है, यानी कि फोम वाला जोन ये वाला। तो आप ऐसा ब्लोइंग के स्टेजेस को भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, अब देखते हैं कि इस एलडी प्रोसेस का एडवांटेजेस क्या क्या है। तो जैसे कि हमने ओपन हर्थ फर्नेस पढ़ा तो बहुत स्लो प्रोसेस था, 6 से 10 घंटे एक बैच बनाने में लग जाता था, उसके कंपैरिजन में देखा जाए तो एलडी प्रोसेस बहुत ही फास्ट है, 10 टाइम्स फास्टर है, ठीक है। और चूँकि इसमें प्योर ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, मोर देन 99.5% प्योरिटी ऑक्सीजन का, तो उसके कारण जो नाइट्रोजन का डिसॉल्यूशन का समस्या वो बहुत कम हो जाता है, यानी कि नाइट्रोजन का हार्मफुल इफेक्ट कम हो जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन अगर स्टील बाद में रहे तो वो स्टील को बाद में ब्रिटल बनाता है, इसलिए इसको कम करना जरूरी है। और हम लोग कोई सा भी रॉ मटेरियल यूज़ करें तो एक ऑर्डिनरी क्वालिटी का भी रॉ मटेरियल यूज़ करेंगे तो उससे भी सल्फर और फॉस्फोरस को बहुत लो लेवल तक करके हम स्टील प्रोड्यूस कर सकते हैं। और एक एडवांटेज यह है कि ऑटोजीनियस प्रोसेस है, मतलब कोई सा भी एक्सटर्नल फ्यूल की ज़रूरत हम लोग को नहीं पड़ती। डिसएडवांटेजेस एक तो ये है कि हॉट मेटल 75% या उससे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि ऑटोजीनियस प्रोसेस है, अगर हम लोग स्क्रैप 25% से ज़्यादा डाल दें तो फिर हम लोग को हो सकता है कि एक्सटर्नल फ्यूल देना पड़ जाए, फिर ये प्रोसेस ऑटोजीनियस नहीं रह जाएगा। तो स्क्रैप डालने का एक लिमिट है, ये एक मेजर डिसएडवांटेज है। उसके अलावा बाकी और डिसएडवांटेज वैसे तो है नहीं, लेकिन गिनाना ही है तो एक और गिना सकते हैं कि स्टील का थोड़ा बहुत वेस्टेज होता है। क्यों? क्योंकि जब भी ऑक्सीजन लांसिंग करते हैं और हाई प्रेशर से करते हैं तो ऑक्सीजन के प्रेशर के कारण जो मेटल या और स्लैग है उसका स्प्लैशिंग होता है, वो छिटकता है दीवारों पर, है ना, फर्नेस के, तो उससे मेटल का थोड़ा बहुत लॉस होता है। फिर इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि एलडी कन्वर्टर को बाद में मॉडिफाई करके और अलग अलग प्रोसेस आया, जैसे कि कालडो प्रोसेस है ना, एलडीएसी प्रोसेस है, रोटर प्रोसेस है, तो ऐसे बहुत सारे प्रोसेस और आते गए, है ना, LDAC OLP है, QBOP OBM प्रोसेस है, हाइब्रिड प्रोसेस है, वो आते गए। तो आज एक डिस्कस करते हैं हम लोग कालडो प्रोसेस को, ठीक है। तो ये कालडो प्रोसेस के बारे में बताना चाहूँगा, ये देखिए इसमें ये है आपका रिफ्रैक्टरी लाइनिंग, आउटर वाला ये शेल ये है ना, आउटर शेल ये लाइनिंग हो गया, यहाँ पर मेटल दिख रहा है। अब आप देख सकते हैं कि ये अपने हॉरिजेंटल एक्सिस से 20 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड है, ये एक डिफरेंस बनाता है इस प्रोसेस को, है ना, ऑक्सीजन लांसिंग भी वैसा ही है, प्लस ये ब्लोइंग के टाइम पे रोटेट करते रहता है। चलिए आके देखते हैं तो कालडो प्रोसेस क्या है। ये डिज़ाइन में एकदम सेम है किसके जैसे, एलडी कन्वर्टर के जैसे में, ठीक है, लेकिन डिफरेंस क्या क्या है कि ये एक तो अपने हॉरिजेंटल एक्सिस जो है उससे ब्लोइंग के टाइम पर, मतलब ऑक्सीजन ब्लो जब करते रहते हैं उस टाइम पर ये 20 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड रहता है हॉरिजेंटल एक्सिस से, और साथ ही साथ ये ऑक्सीजन ब्लोइंग के टाइम पे क्या करते रहता है, रोटेट करते रहता है किसी स्पीड से, 30 RPM रिवॉल्यूशन पर मिनट मैक्सिमम स्पीड या इससे कम रहता है। ऑक्सीजन का ब्लोइंग कितने टाइम तक करते हैं, 60 से 70 मिनट तक करते हैं, ठीक है। और चूँकि ऑक्सीजन ब्लोइंग ज़्यादा टाइम तक करते हैं तो यहाँ पर जो इम्प्योरिटी रिमूव भी अच्छे से होता है और हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है। हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होने के कारण कूलेंट्स के फॉर्म पे हम लोग ज़्यादा स्क्रैप यूज़ कर सकते हैं, अप टू 40%। एलडी कन्वर्टर में मैक्सिमम 25% तक कर पाते थे, यहाँ 40% तक कर पा रहे हैं। तो ये जो रोटेट कराते हैं कालडो प्रोसेस में वेजर को, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, एक तो है रोटेट इसलिए कराया जाता है ताकि जो मिक्सिंग है स्लैग और मेटल का
और स्लैग और मेटल का मिक्सिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो ये सुनिश्चित करना, और स्लैग और मेटल का कांटेक्ट बहुत अच्छा हो सके और स्लैग और मेटल के बीच का रिएक्शन यानी कि इम्प्योरिटी रिमूवल रिएक्शन बहुत अच्छा हो सके, ये इंश्योर करने के लिए रोटेट कराते हैं। दूसरा है कि आयरन का ज़्यादा सरफेस एरिया ये प्रोवाइड करता है, ज़्यादा सरफेस एरिया को एक्सपोज करता है, ज़्यादा सरफेस एरिया एक्सपोज होगा तो रिएक्शन रेट ज़्यादा होगा और इम्प्योरिटी रिमूवल ज़्यादा होगा, है ना। और इम्प्योरिटी को इसी कारण मतलब ज़्यादा इम्प्योरिटी आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है रोटेट करने से। और एक लास्ट फंक्शन ये भी है कि रोटेट करने से बाद का स्टरिंग होते रहता है, स्टरिंग मतलब जैसे हम लोग चम्मच चलाते हैं ना दाल में, वैसा स्टरिंग होते रहता है। तो स्टरिंग होने से हीट ट्रांसफ़र अच्छा होता है, हीट ट्रांसफ़र होने के कारण एक जगह की रिफ्रैक्ट्री को कहना चाहिए कि बहुत ज़्यादा हीट का लोड नहीं पड़ता, तो रिफ्रैक्ट्री का जो लोकली ओवरहीटिंग हो सकता है ना, जहाँ जहाँ पर हॉट मेटल है उसका ओवरहीटिंग होता है उस एरिया का, वो जो है प्रिवेंट हो जाता है, ओवरहीटिंग लोकली ओवरहीटिंग से बच जाता है ना। सी ओ फ्लेम से जनरली ओवरहीटिंग होता है तो वो बच जाता है। तो एडवांटेजेस क्या क्या है इसका, एडवांटेजेस ये है कि अगर हाई फॉस्फोरस कंटेंट वाला पिग आयरन है तो उसको भी ट्रीट कर सकते हैं। एलडी कन्वर्टर में ऐसा नहीं हो सकता था, अगर फॉस्फोरस कंटेंट बहुत ज़्यादा रहे तो फिर उसको हीट टाइम बढ़ाना पड़ता था, और हीट टाइम बढ़ाने के कारण उसका टाइम जो है प्रोडक्शन टैप टू टैप टाइम या ब्लोइंग टाइम बढ़ जाता था और प्रोडक्शन टाइम बढ़ जाता था, है ना। और फॉस्फोरस अगर पिग आयरन में ज़्यादा रहेगा तो सिंपल सी बात है जो स्लैग बनेगा वो भी फॉस्फोरस रिच रहेगा, तो ऐसे फॉस्फोरस रिच स्लैग का यूज़ किस में करते हैं हम लोग, फर्टिलाइजर्स उर्वरक बनाने वाले कारखाने में फर्टिलाइजर्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यूज़ करती है ना। और जो स्टील बनता है वो बहुत गुड क्वालिटी का बनता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम ब्लोइंग टाइम ज़्यादा दे रहे हैं तो इम्प्योरिटी का रिमूवल भी ज़्यादा अच्छे से होता है, तो स्टील का क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। और नाइट्रोजन का कोई प्रॉब्लम भी नहीं रहता क्योंकि यहाँ पर भी प्योर ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हैं, मतलब 99.5% से ज़्यादा प्योरिटी वाला ऑक्सीजन। और रिफ्रैक्ट्री का ओवरहीटिंग जो है कोई एक जगह को वो नहीं होता, ये इसका एडवांटेज है। और जो है प्रोसेस का कंट्रोल जो है बहुत हाई डिग्री में होता है, प्रोसेस का कंट्रोल यानी कि कितने डिग्री कितने RPM में रोटेट करना या कितने डिग्री के एंगल में इंक्लाइंड करना, ये सब प्रोसेस कंट्रोल बहुत हाई डिग्री का रहता है। डिसएडवांटेजेस ये है कि प्रोडक्टिविटी लो है, क्यों, क्योंकि हम ज़्यादा टाइम तक यहाँ ब्लोइंग कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है ब्लोइंग टाइम ज़्यादा है तो टैप टू टैप टाइम भी ज़्यादा होगा, तो इसलिए प्रोडक्टिविटी यहाँ पर टाइम के अकॉर्डिंगली कम होता है, ठीक है। और चूँकि रोटेटिंग इक्विपमेंट्स कुछ हैं इसलिए रोटेटिंग इक्विपमेंट्स के लिए मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा लगता है, तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है। और चूँकि ज़्यादा टाइम तक यहाँ पर टैप टाइम है या फिर ब्लो टाइम है तो रिफ्रैक्टरी कंजम्पशन भी हाई रहता है, तो ये सब मेजर डिसएडवांटेजेस है। अगर इसके ऑपरेशन को समझे तो ये है, देखिए ब्लोइंग के टाइम पर ये ऐसा इंक्लाइंड है, ये जो आपको कन्वर्टर या वेजल दिख रहा है वो क्या है, इंक्लाइंड है अपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस से 20 डिग्री में, अभी देखिए इंक्लाइंड है, तो इंक्लाइंड वाला पोजीशन किसके लिए है, ब्लोइंग के लिए, रिफाइनिंग के लिए। जब ये रिफाइनिंग नहीं करना है चार्जिंग करना है, तो देखिए सबसे पहले स्क्रैप या हॉट मेटल चार्जिंग करेंगे तो इसको ऐसे अपराइट पोजिशन में ऐसा लाना पड़ेगा, ये अपराइट पोजिशन में, फिर उसके बाद लाइम और ओर चार्ज करने के लिए इसको ऐसे पोजिशन में लाना पड़ेगा ताकि लाइम और ओर के जो ये च्यूट है वहाँ से इसका चार्जिंग हो सके, और एडिशन कुछ सॉलिड चार्जिंग करना है फिर लॉस वगैरह तो यहाँ से कर सकते हैं इंक्लाइंड पोजीशन में, है ना। और ये पूरे वेजल को रोटेट कराने के लिए यहाँ पर रोटेशन का एक सिस्टम लगा हुआ है, उसको सपोर्ट करने के लिए चीज़ें हैं, ठीक है। ऑक्सीजन लांसिंग ये है, ऑक्सीजन लांस के लिए यहाँ पर वाटर का सर्कुलेशन भी दिया गया है, रोटेटिंग मैकेनिज्म सब कुछ दिया हुआ है। तो ये ब्लोइंग टाइम बस में ऐसा 20 डिग्री के एंगल में रोटेटेड रहता है, इंक्लाइंड रहता है और ये कंटिन्यू रोटेट करते रहता है। फिर टैपिंग के लिए फिर से इंक्लाइंड करेंगे इस पोजीशन में, ये टैपिंग पोजीशन, और टैपिंग करके फिर लैडल में रिफाइंड स्टील को प्राप्त करेंगे, तो इस टाइप का इसका प्रोसेस होता है। तो मुझे लगता है आज ये पढ़कर आप लोग को सारा बेसिक कॉन्सेप्ट जो है एलडी कन्वर्टर का वो क्लियर हो गया होगा। तो कई बार मैं ये देखा हूँ कि चूँकि कोविड 19 के आउटब्रेक में लोगों के पास
कहना चाहिए पढ़ने के ज़्यादा मटेरियल नहीं है या उन्हें अपने से पढ़ने में कुछ तकलीफ़ होती है, तो वो उन्हें लगता है कि मैं नहीं पढ़ सकता। ऐसा नहीं सोचना है। अगर आप सोचेंगे कि मैं नहीं पढ़ सकता तो एक ही बात में चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, है ना। और अगर आप ऐसे सोचेंगे कि मैं इसे कैसे पढ़ सकता हूँ प्रश्नवाचक वाक्य के रूप में, तो अगर प्रश्नवाचक वाक्य के रूप में आप सोचेंगे तो आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। पहले वाक्य नकारात्मक थी, दूसरा वाक्य प्रश्नवाचक है, तो आपका दिमाग सोचने पर मजबूर हो जाएगा और फिर आपका दिमाग जो है काम करना शुरू कर देगा। और अगर हम अपने दिमाग को कसरत करवाते रहेंगे तो मेरे ख्याल से दिमाग दुनिया का सबसे ताकतवर कंप्यूटर है। तो आप अपने दिमाग को कसरत कराते जाइए और अपने दिमाग को स्ट्रांग करते जाइए। दरअसल लोग अपने विचारों से ही अपने जीवन को दिशा देते हैं, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप सब भी अपने विचार ऐसे रखें कि हम लॉकडाउन पीरियड में भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमारे पास यूट्यूब है, हमारे पास स्वयं NPTEL जैसे पोर्टल्स हैं, है ना, हमारे पास टीचर्स के इंस्ट्रक्शन है, वीडियो लेक्चर्स हैं। तो आप इसे अच्छे से पढ़िए, सुनिए और जो भी डाउट होता है मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट करिए। तो आज के लिए इतना ही, और मैं चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल शेयर कीजिए अपने साथियों के साथ, ताकि वो लोग भी इस लॉकडाउन पीरियड में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख सकें और फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।